मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस यहाँ की जैसे मैं बहुत पहले यहाँ मेरा पूर्व जीवन हुआ, मुझे कुछ की याद आ रहा है। जोड़ के चाचा से निवेदन करता है कि चाचा मुझे आप भेज दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चल जाऊँगा, पर चाचा कहते हैं आगे जाओ। खिचड़ी पड़ी है घर में, पुलाव बनाया है तो आप खा लो, मैं घर जाकर पुलाव खा लूँगा। बोल ही नहीं पा रहे हैं आपके सामने, हम सोच रहे हैं अभी क्या बोलें। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलते हैं आपका, पहले कहाँ जाएंगे हम? पहले जाएंगे हम नारगढ़ फोर्ट। पहले हम जाएंगे नारगढ़ फोर्ट, देन जयगढ़ फोर्ट। लिफ्ट की चल रही है मेंटेनेंस, दो बज चुका ऑलमोस्ट, सो अभी हम करते हैं पेट्रोल इसमें फिल। नारगढ़ में इवनिंग जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा कुछ पहाड़ी के ऊपर जैसा ना, हाँ, सपना दिखता है ना जयपुर कुछ, हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए उसका इवनिंग व्यू बहुत प्यारा है, सनसेट व्यू। अच्छा अच्छा, देखेंगे वो लोग, सो हम सनसेट व्यू देखेंगे। अच्छा जी, जाने देते हैं ना। वाला रास्ता है, हाँ। एक तो हम आए थे एक्सप्रेस वे से आए थे जी, वो हाँ, ये दिल्ली का रास्ता है, ये दिल्ली वाला रास्ता है, ये पूरा वाला और दिल्ली वाला जो पुराना वाला था, जो बहुत दूर पड़ता है। मैं कुछ नहीं बोलता, आप बस मुझे मार्ग दर्शन करा, सारथी बनवा, हम आपके सारथी हैं, मैप के सारथी बनवा। वो देखो वो क्यों कर रहा है, ऐसा डांस कर रहा है क्या, कुछ है क्या, कुछ काली शक्तियाँ आ गई हैं, हम कुछ कैसा लग रहा है आपको, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं आपके सामने, हम सोच रहे हैं अभी क्या बोलेंगे। बस जयपुर के मजे ले रहे हैं बस गाइस, आपको इस बार पूरा जयपुर घुमाया जाएगा। यहाँ पर जो इधर की तरफ मेरे राइट हैंड की तरफ यह है जल महल, यहाँ का भी ब्लॉग बहुत जल्द बनाएंगे हम। और यहाँ पर जल महल से आगे एक वो भी तो है किला जैसा, वही है क्या फोर्ट जहाँ हम जा रहे हैं? हाँ। वहाँ तो फिर हम जा चुके हैं पहले, वो आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट है, तीन फोर्ट है, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट है, नारगढ़ फोर्ट। तो आज हम जाएंगे जयगढ़ और नारगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पर हम पी लेते हैं चाय, सो मॉर्निंग में चाय भी नहीं पिया, लाइए चाय, रुकिए एक मिनट बेटा, मिनट चाय रखाइए। और आपने सीट बेल्ट लगा लो यार, वो तो हाँ बोल गया, कुछ कह रहे थे हम? कुछ नहीं कह रहे थे, हम दूसरों को देख रहे हैं, अपने को तो देख ही नहीं रहे, मैं अपने बगल वाले को नहीं देख रहा हूँ। एटलीस्ट यू शुड वेयर सीट बेल्ट, इट्स योर फॉर सेफ्टी। ओके ओके, सही है ना। एक्चुअली आई वाज बिजी इन मेकिंग वीडियोस, मेकिंग वीडियोस, ये देख रहे हो जंगली मुर्गे, वाओ व्हाट अ व्यू, वाओ ये क्या, ये तो काफी, मतलब तुमने छोटा वो मारा, ये पूरा दिखा दिया। तो एक रास्ता यहाँ से पीछे को जाता है आपका नारगढ़ फोर्ट, और एक यहाँ को जाता है जयगढ़ फोर्ट। तो अभी हम जयगढ़ फोर्ट को जा रहे हैं, मेरी मन तो यहाँ लगा, लगा दो फिर। क्या बोलते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, है? है? है दूर है यार अभी तो बहुत, वो है सामने, सही है, इतना चलना पड़ेगा लेकिन अब कोई नहीं। तो हमने गाड़ी जो है पार्किंग यहाँ कर दी है, और था तो वहाँ खड़ी, तो वहाँ करनी थी, पर हमने देखा और यहाँ यहाँ कोई पैसा तो नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा हम ऊपर जाते तो तब हमें खड़ी करनी पड़ती ना, और सही है यार, प्रॉपर रोड से अंदर ही है, काफ़ी अंदर ही है फिलहाल तो। कैसा लग रहा है आपको? तो यहीं पर रह लेते ना, यहीं पर रेंट में देते देंगे, उसी किराए में नहीं देंगे आपको। अच्छा अंदर पार्किंग भी है क्या? सही है, हम तो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, बढ़िया है अंदर जाने से। अच्छा बहुत भीड़ है, कार गाड़ी की तो ज़्यादा पार्किंग लगी लगी है, सही करा हमने जो गाड़ी वहीं पार्क करा है। देखो इसका टिकट बता,
कुत्ते का 300 रुपये का, 150 पर पर्सन का है, और आपका 100 रुपीज़ जो है वो पार्किंग का है। बट पार्किंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो रह जाते फंसे हैं, इसलिए हम गाड़ी वहीं पार्क करके आए। जय मान तो मुझे लग रहा है यहाँ गर्मियों के टाइम में ना बहुत गर्म हो जाता होगा, बेस्ट रेट है। तभी तो मैं प्रियंका लोगों से कह रहा हूँ कि हमने जैसलमेर जाना है, मतलब यह है कि अभी हमने ये पहना है देन हम शर्ट में भी कंफर्टेबल रहेगा डेट टाइम। कहाँ है वो तो जिसमें देखने आए हैं, कहाँ है वो तो दिखाई जाए वो तो। ये है वो तो चलो चलो बताओ बताओ इसका गोला कहाँ गिरा था, चाकू में जल महल। अच्छा वो जल महल, वो जल महल है ना, हाँ वो जल महल है, जल महल का व्यू है। अच्छा जल महल का व्यू है वहाँ से, यहाँ से जल महल का व्यू है। बाकी आप ये देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन ऊपर से अच्छी है काफ़ी। तो वाकई बहुत बढ़िया है। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स है और सुबट सुबट निवास ये देखिए गाइस, पति निवास और आपका यहाँ से है लक्ष्मी निवास। ये कौन सा निवास है ये देखिए गाइस, लक्ष्मी विलास। आगे है ललित मंदिर। ये है वाव, ये है भोजनशाला, भोजनशाला डाइनिंग हॉल है यहाँ पर, मतलब राजा लोग डाइनिंग करते थे ऐसे, देख सकते हैं गाइस आप लोग डाइनिंग हॉल। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जय सिंह, जय सिंह राजा जय सिंह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस यहाँ की, जैसे मैं बहुत पहले यहाँ मेरा पूर्व जीवन हुआ, मुझे कुछ याद आ रहा है जब राजा जी वहाँ बैठे थे ना, जहाँ पर क्या चला भोज, तो सामने जो फ्रंट में बैठे मुझे लग रहा है ऐसा मैं हूँ, मैं कहीं बैठा था। हाँ और मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि आप ही हैं, कुछ कुछ मुझे ऐसा को रिलेट हो रहा, मतलब पुनर्जन्म को मुझे आवाज़ हो रहा है सदी का। चक्की दीजिए आप चक्की। ये गाइस मुझे अला याद आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा होगा, यहाँ पर जो है सारी फीमेल रानियाँ, मतलब आमिर फोर्ट वो है और आपका जल महल वहाँ से दिख रहा था। हाँ ये आला जब मैं बोल रहा था देखो यहाँ से दिखता था वो आमिर, ये आला जो मैं आपको बता रहा था ना उस टाइम में वो था। मतलब इसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज हैं जो होती थी राजा थे भैया, हैं ऑलमोस्ट सभी है यार, पूरा दिख रहा ऑलमोस्ट। सो गाइस फाइनली ये था आपका जयगढ़ फोर्ट, सो आपने देख लिया ऑलरेडी यहाँ का, हमने आपको विजिट करवा दिया, देन अब हम आपका जा रहे हैं नागर फोर्ट, वहाँ पर मिलते हैं आपसे और वहाँ का दिखाते हैं। थोड़ी सी भूख और इन्हें लिया है पापड़, ये तो वही पापड़ जो मेरा होली में छोटा आता बड़ा है। लोकेशन आ रही है आज, देखो सनसेट हो रहा है, क्या लग रहा है। वैसे तुम कह रहे हो ना गाड़ी तुमने ज़्यादा बहुत पास खड़ी कर दी और
मतलब तो और ही थोड़ी दूर करते जो तुम मुझे वो करे। बहुत बढ़िया था अंदर, 100 रुपए लायक नहीं थी पार्किंग उतनी अंदर जाके। राइट की तरफ अभी आए थे हम सीधे, अब हम जाएंगे आपका नारगढ़ फोर्ट की तरफ। गाइस फोर्ट ही फोर्ट घूमेंगे आज, एक फोर्ट रहेगा अगर हम समय से आते ना तो आपको वाला फोर्ट। तो आप यहाँ नारगढ़ फोर्ट भी आए हो? यस पहले। हाँ तो आपको अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े रहने के लिए तो आप कौन सा चूज करते? नारगढ़ फोर्ट लेते हैं। क्यों, उसमें ऐसा क्या? बहुत अच्छा है, मतलब उसमें जो व्यू है ना, मतलब सनसेट का भी बहुत प्यारा है। यहाँ बहुत ही पार्किंग की बहुत ही समस्या, पीछे अच्छी खासी पार्किंग दिखी थी। मैं हाथ जोड़ के चाचा से निवेदन करता कि चाचा मुझे आप भेज दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चल जाऊँ, पर चाचा कहते आगे जाओ, आगे की एक पार्किंग और दिखी, ताऊ कहते और आगे जाओ। मतलब यार ये तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ताऊ ने रोक दिया। तुम्हारा बहाने चले थे कि मैं मैप देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी तो जाएगी वहाँ ना, लगेगी पार्किंग में गाड़ी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें पार्किंग मिल गई है ना अपनी, अच्छी पार्किंग मिली है। फाइनली जैसे तैसे मतलब हम पहुंच चुके हैं फाइनली आपका नारगढ़ फोर्ट, देख सकते हैं आप नारगढ़ फोर्ट और काफ़ी मतलब पार्किंग, वेज पकौड़ा, चाउमीन, दीवाने खास, मतलब यहां पर मतलब पार्किंग की बहुत बड़ा मेजर वो है। बट यार पार्किंग तो आगे जा रही है, हम तो वहां खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, महिंद्रा वाले जा रहे हैं, क्या हमें हो सकता है कि गाड़ी यहीं खड़ी करनी है? पार्किंग आगे भी है, आगे भी है, कोई हमसे बोले ना कुछ? तू बोलेगा, हमने खड़ी से बड़ी तरीके कर दी वहाँ पर, तुम जाना गाड़ी लेने मैं पीछे रहूँगा, तुम जाना आराम से बढ़िया करके ऐसे जाना, क्योंकि ना मुझे तो पता नहीं था यहाँ तो खड़ी करी, सो हमने भी खड़ी कर दी थी। आप जो बता रहे थे ये क्या है? रेस्टोरेंट है, कौन सा? सनसेट व्यू रेस्टोरेंट है, यहाँ से मतलब। अच्छा तो बढ़िया है जयपुर, ये देखिए गाइस यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा जयपुर। यहाँ से बहुत बढ़िया, मतलब एक अल्टीमेट पूरा जयपुर दिख रहा है। ब्रेक कैसे लग रहे हैं इसमें? अच्छे तो लग जा रहे हैं, आगे हो रहा तो चल रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। तो आप इसी को ले लो ना कॉलेज के लिए अपने, सवेरे सवेरे इससे जाना यूनिवर्सिटी। मुझे तो आपने लिखी नहीं थी, आप आए नहीं, आप आए नहीं, बोल रहे थे आपने कब बोला हमसे? मैंने बोला ना एक आप चलाओगे कर। हम नहीं चलाएंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आपका दाल बाटी चूरमा खाने, और ऐसी जगह इनने लोकेशन लगाई है भाई साहब कि वो गलियों गलियों से लेते हुए गूगल हमें पिछले आधे घंटे से ले जा रही है, और 7:43 हो गया बट अभी भी हम गलियों में ही हैं। कभी कहती लेफ्ट, कभी कहती राइट, कभी कहती लेफ्ट, कभी कहती राइट, वही कर रहा हूँ आधे घंटे से। हम लोग पहुँच चुके हैं आपका, कहाँ पर है इसका नाम क्या है? राजस्थानी थाली। खिचड़ी पड़ी है घर में, पुलाव बनाया है, तो आप खा लो, मैं घर जाके पुलाव खा लूँगा। आप खा लो दाल भाटी, मैं घर जाके वो खाऊँगा पुलाव। फाइनली ये हमारा पूरा जो है आ चुका है राजस्थानी खाना, बाकी ये कढ़ी है, दाल है, इसको इसमें मैश करके इसमें खाना है, और ये गट्टे की सब्जी है, और ये मीठा है, और ये राइस है, और ये कढ़ी है, और ये पापड़ है। वो भी कैसा है? खा लिया हमने चूरमा, अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। सो फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं अब सीधे अपने अपार्टमेंट में। सो कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसा कुछ आगे दिखाने का तो है नहीं,
अब हम आपको सीधे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।